इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राग है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट पीड़ी, दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें, ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। This is Richard Parker, MI6. You have a gift for my country. Indeed. Please come. कैसे पकड़ा गया? Heathrow Airport पर, fake documents के साथ। Omar Zafar, India का most wanted criminal, जिसे हम कई सालों से ढूंढ रहे हैं। कर क्या रहा था वो लंदन? Russian coast पे कोई private island है। सुना है उसे खरीदने आया था। Terrorism के business में recession नहीं होता। हाँ माँ। हाँ जी माँ। मैं करता हूँ आपको थोड़ी देर में। सब ठीक है ना? या ऑल ओके। स्वेटर पहना? हाँ माँ स्वेटर पहना है। नहीं पहना होगा। आपको कैसे पता नहीं पहना है? तुम दोनों की ऐसी कौन सी बात है जो मुझे नहीं पता है? अच्छा सुन जय कह रहा था। करता हूँ थोड़ी देर में। वेलकम कर्नल नंदा। बड़ी शिद्दत से आप हमें तलाश रहे थे। मैं खड़े होकर सैल्यूट करता हूं, मगर क्या करें, हाथ में पिज्जा है और आज मैं थोड़ा सा थका हुआ। वुड यू लाइक अ स्लाइस? तुम खाओ। एक बार तैयार पहुंच गए फिर पिज्जा सीधा फांसी के तुम मिलेगा। आखिरी ख्वाहिश पे, वो भी एक्स्ट्रा चीज के साथ। वेक अप कर्नल, ये तुम्हारा दिल्ली नहीं, लंदन है लंदन। मुझे एक बात बताओ, आज तक कितने मुजरिमों को तुम लोग यहां से हिंदुस्तान ले जा चुके हो? नन, एक भी नहीं। एक नई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी इस वक्त तैयार की जा रही है, जिससे किसी देश के मुजरिम को बिना अपील 72 घंटों के अंदर अपने देश रवाना कर दिया जाएगा। बहुत जल्द तुम हिंदुस्तान की अदालत में हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगोगे उमर सफर। और फिर क्या? ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए,
یہ جج کے لیے اور یہ پولیس اور نیتاؤں کے لیے. بھوکوں کا دیش ہے تمہارا کرنل, مکاروں کا دیش جہاں ہر کوئی کٹورا لے کر بھیک مانگنے کے لیے کھڑا ہے, اور تمہارے کچھ نیتا اپنے سفید چوگے اتار کر کرپشن کے بازار میں ہمیشہ نگن ناچ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. اب تم مجھے بتاؤ کہ تم کیا ہو, ان کی طرح مکار یا ان کے آگے تم ہلانے والا کتا؟ آخری خواہش, مے بی سم پیزا وتھ ایکسٹرا چیز, ہاں مگر تمہارے پاس 30 منٹ ہے کہاں, کیونکہ تمہاری موت کا کاؤنٹ ڈاؤن تو شروع ہو چکا ہے. جو دیش کے لیے لڑتے ہیں ان کی موت کا کاؤنٹ ڈاؤن ان کی پہلی سانس کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے. تو نے بہت لوگوں کی جانیں لی ہوں گی سفر, پر ان آنکھوں میں غور سے دیکھ, نہ تو ان میں مرنے کا غم ہے نہ موت کا خوف, صرف گرو ہے. بہت جلد ایسی آنکھوں میں تجھے اپنی موت نظر آئے گی. ٹریگر دباتے ہی تیرا بھی کاؤنٹ ڈاؤن شروع. 10 9 8 0. آخری بار اپنی ماں سے بات کرنا چاہو گے؟ نئی ٹریٹی کے بارے میں تم نے سنا ہے؟ سنا ہے بھائی. ہمارا ایک بھی آدمی کہیں محفوظ نہیں رہ پائے گا اگر یہ ٹریٹی سائن ہو گئی. تھا نہیں ہوگی, ایک پرانا زخم جو اب تک نہیں بھرا اسے تازہ کرنا ہوگا. کوئی نور, کوئی نور چرانا تو ناممکن ہے. ممکن کرو حمید, مجھے کوئی نور چاہیے اور چرانے والا ہندوستانی ہونا چاہیے. 120 کروڑ کی آبادی میں وہی تو ہوگا
काम कर पाएगा। ढूंढो उसे। So we now have official confirmation that the Koinor has just been stolen from the Tower of London. ये कैसे हो सकता है कि टावर ऑफ लंदन के सिक्योरिटी गार्ड के आंखों के सामने से कोहिनूर हीरा चोरी हो गया। टावर ऑफ लंदन की सुरक्षा में सुरंग की बातें भी खबरों में आ रही हैं, लेकिन MI6 इन बातों को बेबुनियाद बता रहे हैं। When the collection was open for inspection, they realized only the coiner was missing. लगे तकरीबन 500 सीसीटीवी कैमरों की जाँच की जा रही है। इस जाँच के बाद ही शायद कुछ चीजें साफ हों। और अब हम आपके सामने लाना चाहते हैं कोहिनूर का विस्तृत इतिहास। कहा जाता है कोहिनूर का जन्म हुआ तमिलनाडु की धरती में और जवानी बीती दिल्ली, राजपूत, मुगल, अफशारित, दुरानी और सिखों के ताजों पर। जब अंग्रेजों ने भारत को लूटा और क्वीन विक्टोरिया बनी एम्प्रेस ऑफ इंडिया, तो भारत के ना चाहते हुए भी अंग्रेज अनमोल कोहिनूर को सात समुंदर पार ब्रिटेन ले गए। खेद है हमें रुकावट के लिए। There was one unidentified male found in the Tower of London. कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई तस्वीर नहीं। ये कोई मामूली नहीं, बड़ा ही शातिर चोर है। इस चोर को हिंदुस्तान का हीरो बताया जाता है। तो कौन है ये आदमी? इनविजिबल चोर, कोहिनूर चोर। इन्हीं कुछ नामों से लोग उसको बुला रहे हैं। Who is this? सदी की सबसे बड़ी चोरी जिसका कोई सुराग नहीं। इस चोर और पुलिस के खेल में कौन जीतेगा ये तो पता नहीं, लेकिन पूरी दुनिया के लोग उस चोर का चेहरा जरूर देखना चाहेंगे जिसने बड़ी सफाई से बेशकीमती कोहिनूर हीरा उड़ा दिया। कौन है ये, कहाँ है ये, कब पकड़ा जाएगा ये? पुलिस को इसकी तलाश है, लेकिन वो कहाँ है किसी को पता नहीं। से तुझे बिना कपड़ों के देखा है, तुझे नहलाया है, तेरी नैपी चेंज की है। दादी अब मैं बच्ची नहीं हूँ, बाहर जाओ। ऐसा तुझे लगता है? ओए कान के पीछे से भी साफ कर। दादी और सुन, तुझे पता है किसी ने कोहिनूर चुरा लिया। प्लीज मेरा टावल दीजिए। हाय जीवन थी, ऐसी नौजवान अब कहाँ मिलती। अशोक कुमार, देवानंद, I just want to meet a man like that, जो हीरे के साथ साथ दिल भी चुरा कर ले जाए। चुरा के गया सपना मेरा। तो आप प्लीज उसके बाथरूम में जाइए, मुझे मेरा टॉवल दीजिए। जिसने भी चुराया है उन्हें मेरी भी उम्र लगे। दादी आप बिल्कुल पागल हो। खास तू भी होती मेरी तरह, तू तो बहुत ही बोरिंग है, हमेशा कल्ली रहती है, जबकि सारियां कुड़ियां से बॉयफ्रेंड है। दादी मुझे ऐसा कोई मिला नहीं अब तक। ओके पर तू इतनी चूजी क्यों है? तेरी उम्र भी तो मेरे 30-40 अफेयर हो चुके थी, इतना भी क्वालिटी कंट्रोल अच्छा नहीं। मुझे ये प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना दादी। अरे तुझे क्या पता प्यार क्या है? प्यार तो वो है संतरी थमे रही, कैमरे जमे रही और सीने की तिजोरी से कोहिनूर चोरी हो जाए।
मॉर्निंग भाई। किसने चुराया? सर जब आपने कोहिनूर पे इनाम की बात फैलाई थी तो सिर्फ इस एक आदमी ने जवाब दिया था। किसके तो? शोएब। कहा सईद ने उसे भेजा था, वसीम उसे जानता है और सकलेन के लिए उसने काम भी किया था। पाकिस्तान का बैटिंग लाइनअप नहीं पूछा, हिंदुस्तानी। ऐसा कमाल तो कोई हिंदुस्तानी कर सकता ना भाई। देशभक्ति जा रही है। सॉरी भाई, हीरा इंडिया पहुंचते ही वो हमें कांटेक्ट करेगा। कीमत? $5 million। ठीक है। कैश दे। हाँ, ट्रक में लाद के ले जाना। जी। लड़ी फूल, मॉरिशस में बेनामी अकाउंट खोलो, हीरा मिलते उसके नाम ट्रांसफर कर देना। मुंह मत खोलो, बैंक जाओ, अकाउंट खोलो। नमस्ते मैम साहब। थैंक यू अलीन। नो प्रॉब्लम। हे अलीन, थैंक्स फॉर माय कॉफी। यू आर वेलकम। हेलो, बैंक ऑफ शिमला, स्पीक हियर प्लीज। हेलो, बैंक ऑफ शिमला, सॉरी, हाउ कैन आई हेल्प यू? आपके वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस कहाँ है? कॉरिडोर से तीसरा कैबिन टू द राइट। पर वो रिजाइन कर चुके हैं, कैबिन में कोई नहीं है। अब है? कौन है? मैं हूं ना, करण सक्सेना, बैंक ऑफ शिमला का यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट। वैसे बैंक मेरे मामा जी का है। ओह, आई एम सॉरी सर। नो प्रॉब्लम। नाम? हरलीन सहानी। मैरिड? नहीं। बॉयफ्रेंड? नहीं। होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे कैबिन में आ जाओ, फाइनेंस स्ट्रेटजी डिस्कस करनी है। Strategy? पर मैं receptionist हूँ। ओहो, receptionist ही रहना है। सही दोस्त बनाना भी finance strategy है darling। समझी? अगर किस्मत को बदलना हो तो आ जाओ। आइसक्रीम खा रही हो? इस वक्त आपके फ्रेंड्स अपने मिस्टर राइट के साथ एक रोमांटिक से रेस्टोरेंट में कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं। बट यू डोंट वरी, बिकॉज़ आपकी जिंदगी भी बहुत जल्द चेंज होने वाली है। TrueLove.com, एक ऐसी साइट जहां आपकी नई एक्साइटिंग एंड रोमांटिक जिंदगी शुरू होने का इंतजार कर रही है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? रजिस्टर नाउ ऑन TrueLove.com, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जिंदगी भी उस गोद में पड़ी आइसक्रीम की तरह ठंडी की ठंडी ही रह जाए। फ्रेंड्स, आज 30 सालों के बाद मिस शर्मिन कपारिया हमारे बैंक से रिटायर हो रही है। मिस? जी, मिस कपारिया। वो कौन है? मैं। आपने अभी तक शादी नहीं की? वाओ, शादी के लिए टाइम कहां से निकालती? इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बैंक में ही गुजार दी है। 30 सालों में एक भी दिन छुट्टी नहीं ली, ना कभी देर से आई और ना ही कभी जल्दी गई। पूरी जिंदगी अकेली ही रही है, पर शायद आगे भी अकेली।
अरे वो दे जिलती। तो तुम हो? अगर उस बैग में वो है जो मैं सोच रहा हूं तो मैं वो हूं जो तुम सोच रहे हो। अब्दुल आया, आपका ऑर्डर लाया, चार बुना गोश्त, दो सीख कबाब, दो हलीम और आपका मेरा फेवरेट फिरनी। तुमने ऑर्डर किया? ए अब्दुल, फिर से गलत ऑर्डर दे रहा यार, वहाँ टेबल नंबर 7 पर। कभी कभी गलती हो जाती है, सॉरी। मॉरिशस के एक अकाउंट में $5 million तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यहाँ मेरे हाथ चमके, वहां तुम्हारी किस्मत। जल्दी क्या है, पहले एक दो बातें हो जाएं, भूख भी लगी है, कुछ खा लेते। अब्दुल, दादी मैं बॉर्डर पे जंग लड़नी नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ टेट पे जा रही हूँ। तेरा घर बस रहा है, अब मैं चैन से मर सकूँ। बस मैं लेट हो जाऊंगी। रुक, ये ले दादाजी की गाड़ी। ये तेरे दादाजी की जान थी। हाँ दादी, पता है आप दोनों अपनी पहली डेट पर इसी में गए थे। मुझे मेरा ट्रू लव इसमें मिला था और आज तुझे भी तेरा ट्रू लव इसी में मिलेगा। बाय दादी। बाय। तुम हमारे जाने के बाद भी खा सकते हो। यार मैं खाली पेट सोच नहीं सकता हूँ। सोचना क्या, कीमत तय हो चुकी है। एक हाथ दो, एक हाथ लो। दोनों हाथ गंदे हैं। धमकियां बहुत महंगी होती हैं। कितनी महंगी? 5 million की एक। अब तुम तीनों ने गलती की तो अब कीमत है $20 million। गलत, कीमत अब जीरो है। चुपचाप हीरा हमारे हवाले कर दो। अपने अपने नाक साफ कर लो। तुम्हारी लस्सी में एक ड्रग है, ठीक 5 सेकंड में तुम्हारे मुंह से एक पिंक झाग निकले और तुम सब बेहोश। Oops. आइला, फिर से गलती हो गई। अरे साहब, वो लस्सी आपके टेबल पे देना था ना। थैंक यू अब्दुल।
ڈریس اپ شو پرائم منسٹر کے آفس سے پریشر ہے اپوزیشن بیس کوہ نور ہیرے کی چوری کے لیے سپورٹ کر رہے ہیں اس کا اثر ہمارے ایکسٹریڈیشن ٹریٹی پر ہونے والا ہے بے وقوف ہیں یہ لوگ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کسی بھی حالات میں رکنی نہیں چاہیے سر سر کوہ نور ہیرا ڈھونڈنا بہت ضروری ہے سر 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 شملہ مال روڈ پہ فائرنگ ہوئی سر تو پولیس کی پرابلم سر لیکن آپ کو سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھنا چاہیے سر یس میم ہاؤ مے آئی ہیلپ یو آئی ایم ہرلین میں مسٹر وکی سے ملنے آئی ہے رائٹ آپ کو کیسے پتا truelove.com کے ساتھ ہمارا ٹائپ ہے کم وتھ می پلیز ٹیک اے سیٹ اپنے اسپیشل دوست کے بارے میں کچھ بھی جاننا ہو تو پلیز ہیو اے نائس ٹائم میم I'm Vicky. Harleen. Hi, Harleen. Nice to meet you. Tum bahut late ho. Aur tum bahut khoobsurat ho. I'm sorry. Main itna late hu. I'm just please sit. To tum ye pehle kar chuke ho? Kya? Restaurant mein with a beautiful girl ek do bar internet dating truelove.com truelove.com haan nahi ye first time it's my first time mera bhi ah تم نے مجھے کیوں چنا ریئلی لک ایٹ یو پر میں نے اپنی فوٹو نہیں دی ہاں آف کورس پر جس خوبصورتی سے تم نے اپنے آپ کو ڈسکرائب کیا آئی واز جس پر میں نے تو صرف دو ورڈز لکھے بینک ریسپشنسٹ ایگزیکٹلی ان دو شبدوں میں ایک کہانی چھپی ہے کس کی کہانی میری نانی کی میری نانی بھی ایک بینک ریسپشنسٹ تھی بینک کے ریسپشن پر کالز ریسیو کر کر کے ہم سب کو پالا پوسا اور پھر ایک دن بینک ریسپشن پر اپنا آخری کال ٹرانسفر کرتے ہوئے وہ خود ٹرانسفر ہو گئی
so sorry. क्या पियोगी? Some wine? Thank you. You're welcome. French, Indian है सर, नासिक से. हाँ, चलो. Thanks. तो तुम बहुत चाव करते हो. करना पड़ता है. दुनिया को जो बचाना. हाँ? मच्छरों से. मैं ओडोमॉस के लिए काम करता हूँ. और तुम? Travel करती हो? नहीं. 10 साल की थी जब कनाडा से दादी मुझे यहाँ ले आई. मेरे मॉम डैड एक रोड एक्सीडेंट में. तब से मैं यही हूँ, कहीं नहीं गई. पर एक दिन जॉब क्विट करके एक राउंड द वर्ल्ड टिकट लेकर दुनिया देखना चाहती हूँ. एक दिन. एक दिन. पर तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम्हारा ये एक दिन आ गया? मैं एक छोटे शहर में रहती हूँ. इतना आसान नहीं है मेरे लिए कि जब जो चाहा कर लिया. मैं अकेली दादी के साथ रहती हूँ. उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मुझ पर. एक दिन. एक दिन. तो तुम्हें डांसिंग का शौक है? यहाँ? या? No way. वो तो मैं बस अकेले में कभी-कभी. शर्लिन, पास आओ. हाँ? पास आओ. थोड़ा. तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे ये एक दिन का मतलब है? दादी की जिम्मेदारी, कल हस्बैंड की, परसों बच्चों की. आई थिंक जो करना है ना वो आज करना चाहिए. मैं तो रोज ये मानकर निकलता हूं कि ये मेरा आखिरी दिन है. सो ऑल आई हैव इज एक दिन. अपनी लिस्ट जिस दिन शुरू करोगी तुम्हारा एक दिन आ जाएगा. आंखें बंद करो. हाँ? आंखें बंद करो. मैं तेरा रा रा तू मेरी री होने
तू हुआ ये जादू कैसे जो मेरा था वो खो गया जो तेरा मिल गया वो जैसे इस दिल ने जब जाना के बस तू जैसे अजनबी जहां आके लग जाए गले जैसे तू चले और दुनिया तेरे संग चले जैसे रात चुपके से तेरे कानों में कहे के अब तो जाने क्यों जाने क्यों जाने क्यों के ले गई मेरी सांसों को मुझसे दूर तेरे पास और मुझे हुआ ऐसा सारी लड़कियां जल के मर जाएंगी। तुम्हें नहीं लगता एक दिन का मतलब है कभी नहीं? आई थिंक जो करना है वो आज करना चाहिए। देखिए कितना शांत, कितना सिंपल। Yes, Harleen Sahni. He's right. Ye waqt phir kabhi nahi aayega. मैडम TrueLove.com हरलीन माइसेल्फ विकी, मैं सो सॉरी हूं, मेरे मोबाइल का टायर भी पंचर हो गया और मेरी बैटरी की गाड़ी भी डेड हो गई। वो विकी कहां है? ये बिल छोड़ गया। इट
इतना लंबा? ये फर्नीचर का बिल कौन भरेगा, मेरा चाचा या मामा? पैसे तो आपको देने पड़ेंगे मैडम। बस ये बैंक मेरे मामा जी का है। चाचा नहीं है, मामा जी है। ये उनका कार्ड है, वो भर देंगे। सॉरी। कभी गाड़ी के सामने आ गया तो ब्रेक नहीं एक्सीलरेटर दबा दूंगी। ओह शिट। ओह आई एम सॉरी। आप ठीक है? आई एम गुड। तुम? हाय राजवीर। क्या? मेरा नाम? या श्योर। जैसे इतनी झूठ की बात ये सच है। नाम झूठ था पर आई स्वेयर बाकी सब सब सच था। एक सेकंड। तुम्हें एक डॉक्टर की जरूरत है। डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, शायद एक एक क्या? एक किस? किस? तुम पागल हो, मैं जा रही हूँ। मुझे सीरियसली लगता है कि तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। वो तुम्हें मेरे साथ रेस्टोरेंट में देख चुके हैं। कौन? वो जो ये सोचते कि तुम कुछ जानती हो। मैं क्या जानती हूँ? कुछ नहीं, पर वो ये नहीं जानते। वो नहीं जानती कि मैं कुछ जानती हूँ। नहीं, वो ये सोचते कि तुम कुछ जानती हो पर वो ये नहीं जानते कि तुम कुछ नहीं जानती। मैं क्या जानती हूँ? कुछ नहीं। तो वो ये जानती है क्या? स्टॉप। आओ, मैं इस गोली से नहीं कंफ्यूजन से मर जाऊंगा। ओह आओ। हरलीन सहानी, तो तुम कह रहे हो कि वो लड़की इसके साथ थी? यस सर। और ये उसके मामा जी का कार्ड है सर। सर प्लीज हमारे पैसे निकलवाइए। करण सक्सेना, मेरी बात सुनो। मैंने कुछ चुराया है। क्या? गोली मैंने निकाल दी है, सीना बाकी है। सीना? या सो तुम ये टॉर्च पकड़ो, यहाँ पॉइंट करो, यहाँ। मुझसे नहीं होगा। होगा, कोस होगा। या कम ऑन हेल्प। बस यहाँ, परफेक्ट। ओके स्टेडी स्टेडी। परफेक्ट, एक्सलेंट। आज तक किसी को टॉर्च इतनी परफेक्टली पकड़ते हुए नहीं देखा। थैंक्स। स्टडी स्टडी। डन। रेडी। ही ऑलमोस्ट डन। इट्स रियली गुड। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी। हे डन, ये लो पानी पी लो। राजवीर नंदा, इंटरनेशनल क्रिमिनल, पैथोलॉजिकली साइकोपैथिक स्किज़ोफ्रेनिक। मुझे साइकियाट्रिक हेल्प की जरूरत है। What? नहीं, पर वो ऐसा कहेंगे। पानी में क्या था? बेहोशी का ड्रग। क्यों? Now listen to me. दो तरह के लोग तुम्हारे पास आएंगे, एक जो गवर्नमेंट एजेंट्स है और दूसरे जो नहीं है। दोनों मेरे बारे में कुछ पूछेंगे। जब तुम उन्हें कुछ नहीं बताओगे तो वो कहेंगे कि वो तुम्हें एक महफूज जगह ले जा रहे हैं। महफूज को ऐसे क्यों कह रहे हो? Listen to me. जिस गाड़ी में वो तुम्हें ले जाएंगे उस गाड़ी में एक गन छुपी होगी। गन? अगर स्कोडा हुई तो लेफ्ट सीट के नीचे, और अगर टोयोटा हुई तो राइट सीट के नीचे। ओके। उस गन को संभाल के निकालना,
उन्हें डराना और भाग जाना। भाग? और अगर मेरे बारे में कुछ पूछें तो मैं तुम्हें नहीं जानती। नहीं जानती। मैं बिल्कुल नहीं जानती। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे जाने दो। शोएब कहाँ है? मैं किसी शोएब को भी नहीं जानता। पाक कसम, मामा जी की कसम, वो तो जिंदा भी है अभी। इस कोड का क्या मतलब है? हरलीन बैंक रिसेप्शनिस्ट। कौन सा कोड? हरलीन? ये कोई कोड वर्ड नहीं है, हमारी बैंक के रिसेप्शनिस्ट का नाम हरलीन है। हाँ, क्या है माँ का दही? भाई वो हाथ से निकल गया। हाथ से निकल गया? पकड़ने कौन गया था? पैसे देकर हीरा लेना था, that's it। शोएब ने जबरदस्ती लेने की कोशिश की लेकिन ले नहीं पाया। भाई उसके साथ एक लड़की भी थी। कि तुम्हारा ये एक दिन का मतलब है कभी नहीं? अपनी लिस्ट जिस दिन शुरू करोगी तुम्हारा एक दिन आ जाएगा। क्यों भाई, क्या बात है? रात को वापस कब आई? अरे बेवकूफ, मैं तेरे माँ बाप की तरह ओल्ड फैशन नहीं हूं। कौन था? राजवीर, नाम झूठ था, बड़ा इश्यू है, बाकी सब सब सच था। पता नहीं कमाल, सारी रात उसके साथ रही, उसका नाम तक नहीं पूछा। भाई इतनी मॉडल तो मैं भी नहीं। समझ गई, तेरे दिल की तिजोरी से कोहिनूर चोरी हो गया। चुपके आया बिन बुलाया मेहमान, उफ मेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह थी। हमको ना खबर कब कैसे आया वो, दिल से खुस फुस क्या फरमाया वो। हमको ना खबर कब कैसे आया वो, दिल से खुस फुस क्या फरमाया वो।
کراؤگی خوابوں میں ہم سے بدلوں میں رنگ کتنے خام خواہ اڑا اڑا بن کے گبارا میرا دل بدھو بے چارا ہولے ہولے تو نے پکارا جہاں بھی وہاں یہ جائے ذرا ذرا یوں آنکھیں میچے تیرے دل یہ تیرے پیچھے ذرا ذرا یہ کھینچے کھینچے دیکھو نہ دیکھو ہم تو تیری وجہ سے ہے سارا جہاں نئی جگہ سی ہے سب کو خبر اور سب کو پتا بھی ہے یہ جو ہوا دیکھو ابھی تو چھوڑو تم بھی اب یہ بہانہ تو دل کے بدلے دل نظر آنا دو میرے دل میں تھوڑی خالی سی جگہ میڈم او میڈم کیا ہو رہا ہے آفس ہے گھر نہیں ہے فون بج رہا ہے تمہارا اٹھاؤ ہیلو بینک آف شملہ نو سر رانگ نمبر ہائی ہاؤ کین آئی ہیلپ یو کھولنا ہے جی بڑا بہت بڑا اکاؤنٹ کھولنا ہوگا سوری سر کیونکہ کل رات جو کام آپ نے کیا اس کے لیے کافی پیسے ملے ہوں گے آپ کو ایکسکیوز می نانسنس میبی شاید صرف اپنا اکیلا پن دور کرنے کے لیے نیٹ پہ وہ سائٹ TrueLove.com کیا ہوتا ہے اس سائٹ پہ میں گیا تھا جی اس سائٹ پہ رات کو بڑا دلچسپ سا معاملہ ہو جاتا ہے نہیں انویسٹیگیشن کے لیے گیا تھا جی انویسٹیگیشن نا اور کوئی بات نہیں زوراور کالرا گورنمنٹ ایجنٹ آپ کو ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلنا ہے بات چیت کرنی ہے پوچھ تاچھ ویسے آپ چاہیں تو یہاں بھی کر سکتے سب کے سامنے مزانی کل رات آپ جس آدمی کے ساتھ تھیں وہ ایک انٹرنیشنل کرمینل ہے مینٹلی انسٹیبل اینڈ پائتھولوجیکلی سائیکوپیتھک سکیزوفرینک اس نے کہا کہ آپ مجھے یہ سب کہیں گے جیسا میں نے سوچا تھا ہیز ٹو اسمارٹ یوز کر رہا ہے وہ آپ کو جسٹ ہیو اے لک اس طرح کے کرمینلز بہت چارمنگ ہوتے ہیں وہ ڈرگ کر سکتا ہے آپ کو مار بھی سکتا ہے جان لے سکتا ہے آپ کی ایکسکیوز می پولیس اسٹیشن رہ گیا پیچھے ہاں آپ کی جان کو خطرہ ہے اس لیے آپ کو محفوظ جگہ لے کے جا رہے ہیں محفوظ ہاں پر آپ اس طرح کے پوچھ رہی ایسے ہی اگر سکوڈا ہوئی تو لیفٹ سیٹ کے نیچے اور اگر ٹوئٹا ہوئی تو رائٹ سیٹ کے نیچے یہ کون سی گاڑی ہے ہونڈا کی ہے جی کیوں اچھی ہے
مائلج کیا دیتی ہے؟ ہیبے پہ 10-11 کا دے دیتی ہے اور پھر ڈرائیوری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کسی کا پیچھا کر رہے ہوں تو ایکسلیٹر بریک زیادہ دبانا پڑتا ہے تو معاملہ 7-7.5 پہ آ جاتا ہے اچھا بیچنی ہے نہیں سر سوری سر ہاں بس پہنچ رہا گاڑی روکو چوری کیا تھا بدو گن کہاں سے ملی آپ گاڑی روکو چلتا رہے کچھ نہیں کرے گی کم آن گیو می دیٹ If I drive, huh? Shift, Arlene. Trust me, shift. What's up? گاڑی سے اترنا مت میں تمہارے ساتھ
क्या कहा था? कार से मत उतरना। क्या किया? कार से उतर गई। हलीम, अंडरस्टैंड, मेरे साथ महफूज, इनके साथ महफूज, महफूज यार, महफूज, महफूज। ये पकड़ो, थोड़ा। You're in shock. I understand. तुम ये रोको, मैं उन्हें समझा क्या था। Actually, you know what? मैं झूठ नहीं बोलूंगा। I'm just gonna go shoot them. By the way, तुम गाड़ी चलाती बहुत अच्छी हो। I mean, तुम्हारी वजह से आज हमारी जान बची है। Just, I want you to know that. I was really impressed. ये रुक गया गया। Please come. Fools. Harleen! Karan! Harleen, Harleen! मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। करण, मैं बहुत मुसीबत में। मुसीबत? तुम्हारी वजह से मुझे थप्पड़ पड़े। मुझ पर गोलियां चली। मेरी 40,000 की शैंपेन पी गए। कौन? गवर्नमेंट एजेंट्स। क्यों? क्योंकि तुम शोएब की एजेंट हो। कौन शोएब? उमर जफर का खास आदमी। कौन उमर जफर? एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम? ये वही है जिसकी वजह से तुम्हें थप्पड़ पड़े और मुझ पर गोलियां चली। राजवीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राजवीर? ओ कौन है राजवीर? जिसका दायां हाथ तुम्हारे गाल पर पड़ेगा अगर तुम चुप नहीं रहोगे। अब मेरी बात आराम से सुनो, मैं तुम्हारी कार ले जा रहा हूँ। ओ हेलो राजवीर दफर, कार की तरफ आंख उठा के देखा ना तो हाथ तोड़ दूंगा। कुंफू कराटे में ग्रीन बेल्ट हूँ, मेरी फ्लाइंग की कितनी फास्ट है, उड़ते पंछी को हवा में गिरा देता हूँ। तुमने गोली मारी। तुमने मुझे गोली मारी। हरलीन, कार में बैठो। तुमने उसे क्यों मारा? तुमने मुझे क्यों मारा? हरलीन, कार में बैठो। हरलीन, कार में मत बैठना। हरलीन, हरलीन कार में बैठो। फ्लैश वुंड, हड्डी के आसपास भी नहीं। गुड शॉट है। वेरी गुड, पर क्यों? अबे फ्लाइंग किक मारने वाला था, चांस नहीं लिया। अब सुन, हमारे जाने के बाद 100 दिन फिर पुलिस एम्बुलेंस सबको बुला लेना। 100 के पहले बुलाया तो वापस आकर गोली मार दूंगा। पर तुम्हें पता कैसे चलेगा? बेवकूफ सवाल पूछोगे तो भी गोली मार दूंगा। 200 तक गिनूंगा मामा जी की कसम। गुड। कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। 1 मामा जी, 2, 3 मामा जी। बाय द वे, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। तो क्यों मारा? जो गोली नहीं मारना चाहते वो गोली नहीं मारते। इस गोली से वो शहर का हीरो बनने वाला है। तुम पागल हो, you're insane। तुम लेफ्ट राइट जो भी आया उसे गोली मार रहे हो। It's just not normal। ये किसी भी डेफिनेशन से नॉर्मल नहीं है। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। प्लीज गाड़ी रोको, मुझे घर जाना है, तुमसे दूर। रिलैक्स हलीम, जस्ट काम डाउन। शायद उन लोगों के साथ ही महफूज थे। क्या कहा? और मेरे साथ तुम्हें डर लग रहा है? मुझे तुम पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। रियली? ओह ओके,
Okay then. जवाब दो, अगर मेरी जरूरत नहीं थी तो करण को गोली क्यों मारी और इस गाड़ी के पीछे क्यों पड़े हो? यही गाड़ी नहीं चाहिए थी तो चुराई क्यों? फिर कहते हो तुम पागल नहीं हो? क्या चाहती हो? साथ रहूं तो प्रॉब्लम है, दूर जा रहा हूं तो प्रॉब्लम है। लुक, आई एम रियली सॉरी कि हमें साथ रहना पड़ रहा है, पर वो सिर्फ इसीलिए ताकि तुम जिंदा रहो। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, यू आर डेड। यू अंडरस्टैंड दैट? डेड। और शायद तुम्हें अजीब लगे, लेकिन तुम्हें बचाने के अलावा मेरे पास और भी काम है, और काफी इंपॉर्टेंट काम है। You know what? I don't really care anymore. ये रही चाबी, वो रही गाड़ी। Drive home. से आज तक किसी बेगुनाह की जान नहीं गई। नहीं चाहता कि तुम पहली हो, खासकर जब तुम जिंदगी भर उसे एक दिन का इंतजार करती रही हो। तुम्हारे सारे प्लान्स तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाते। भूख लगी? कुछ खा लेते। तुम्हारे पास पैसे हैं? अरे तुम तो बैंक में काम करती हो। That's so stupid. मैं हॉस्पिटल में काम करती तो मेरे पास दवाइयां होती। को गोली मार दो, तुम्हें तो शौक है ना गोली मारने का। अगर वो फी में खाने नहीं देगा तो उसे गोली मार दो। अगेन रियली? मैंने सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए गोली मारी थी। प्लीज कैन यू मूव ऑन फ्रॉम दैट नाउ? मैंने कब कहा कि मेरी हेल्प करो? आई कैन मैनेज। हां, कैन आई टेक योर ऑर्डर सर? मेरी लाइफ परफेक्ट है जब तक कि तुम मुझे मिले। परफेक्ट? हाँ, इसीलिए इंटरनेट पे लगी हुई। मी हरलीन, बैंक रिसेप्शनिस्ट, प्लीज मीट मी, प्लीज समबडी, प्लीज इंटरनेट, हेलो हेल्प, हेलो कोई तो सुनो, हेलो एनीबडी आउट देयर, हेलो प्लीज समबडी, नोबडी, नो।
यार हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि थिन क्रस्ट या स्टफ क्रस्ट, दैट्स द प्रॉब्लम. सो व्हाई डोंट यू ट्राई अ पैन पिज्जा? क्या लोगी हनी? डोंट कॉल मी हनी. देन गिव मी सम मनी. एक्चुअली नो, मैं इसे गोली मार देता. व्हाट एम आई थिंकिंग? आई शुड जस्ट डू इट. ये लो पैसे, किसी को गोली मत मारना प्लीज. Two pan pizzas, please, and two Mountain Dews. और हमारे सामने करण सक्सेना जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर एक खतरनाक मुजरिम को रोकने की कोशिश की. उसने हर लीन पे बंदूक चलाई, मैं कूद कर सामने आ गया. पर गोली तो आपके पैर पे लगी है. कुंग फू स्टाइल जंप था मेरी फ्लाइंग की. ओह मामा जी, इतनी फास्ट है कि मैं उड़ते पंछी को हवा में मार के गिरा देता हूँ. ऐसा क्या किया है तुमने कि इतने सारे लोग तुम्हें मारना चाहते हैं? सॉल्व करो फिर बताओगी. तुम पेपर नहीं पढ़ती? प्लीज हमें ये फोन नहीं है जो केस से शुरू होता है. तुम्हें अब भी मुझ पर भरोसा है? Yeah, right. इसलिए अब तक तुमने अपनी आवाज ऊंची नहीं की. तुम जब चाहो मुझे कॉम्प्रोमाइज कर सकती हो. तुमने कोई नोट क्यों चुराया? उमर जफर के लिए. आसपास बच्चे हैं, फैमिलीज हैं. आराम से बात करें. उमर जफर, इंटरपोल की मोस्ट वांटेड लिस्ट हमेशा उसी के नाम से शुरू होती है. उसने कोहिनूर की चोरी पे इनाम रखा, इन्होंने चुरा लिया. रेस्टोरेंट चारों तरफ से घिरा हुआ, बचना मुमकिन नहीं. इसलिए अगर चुपचाप हमारे साथ चलो तो सबके लिए बेहतर हो. जहां तक मैं जानता हूं ये चुपचाप हमारे साथ चलेगा नहीं. इसलिए यू डिसाइड, आपको हमारे साथ महफूज रहना या चोर के लिए शहीद होना. डिसाइड नाउ. क्या ये सच है? यू नो, इस सब के बावजूद मेरा दिल कह रहा था कि तुम अच्छे हो, पागल हो, लेकिन बुरे नहीं, क्रिमिनल नहीं. मैं गलत थी. मैं जा रही हूं. I'm sorry, हरलीन, पर मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता. जंप सर जी, वैसे रास्ता नीचे को नहीं सिर्फ ऊपर को जाता है सर जी. ये आदमी इतनी आसानी से ऊपर जाने वाला नहीं है. कोई ऊपर है जो उसकी मदद कर रहा है. Thank you.
डोंट शश मी, तुमने मुझे गोली मारी। गोली मारी होती तो शश करने की जरूरत नहीं होती। डर था, डर, बेहोशी था। जो भी था क्यों था? हे, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। डर था, बेहोशी का, मैं मर सकती थी। शश, क्या समझते हो आप? तुम्हारे फायदे के लिए मैंने तुम्हें बेहोश किया। अगर मैं तुम्हें नहीं बचाता तो वो मुझे मार देते। राइट। वैसे मेरी शॉपिंग ने काफी अच्छी लगी होती। अब धूप में बैठकर अपने कपड़े सुखाओ, और कपड़े नहीं है हमारे पास। मेरे कपड़े किसने बदले? रिलैक्स, मैंने खुद बदले। तुमने? आई स्वेयर। तुमने मेरे कपड़े बदले? हाँ, ओ ओ, आई सी। कम ऑन अजी, ये 50 गार्ड्स और 100 सिक्योरिटी कैमरा से बच गए। टावर ऑफ लंदन से मैं कोई नहीं निकाल सकता, तो क्या बंद आंखों से तुम्हारे कपड़े बदल नहीं सकता? हाँ, ये नहीं कह रहे कि मेरी आंखें बंद थी, बट आई डिजर्व दैट। अच्छा, एक देखो, ये जो मार्शल आर्ट जिसमें तुम वाकई बहुत अच्छी, ये बात नहीं करते। अब मुझे जरा भूख लगी है, खाना खाएं? खाना खाते। मैं अपने लॉयर की सलाह लिए बगैर किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। दादी, आप ये अमेरिकन सीरियल देखना बंद करें प्लीज। हेलो दादी। कौन? हरलीन। ये देखो, हरलीन का फोन आया। हेलो दादी, दादी। लोकेशन ट्रेस हो गई सर। हो गई साइट सीइंग। काफी बड़ा आइलैंड है। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो प्लीज मुझे मार डालो। मैं कहां तुम्हें मारना चाहता हूं हरलीन? मैं तो सिर्फ हमारा अधूरा डिनर पूरा करना चाहता हूं। Come on. तुम खाना भी बना लेते हो? स्कूल में मेरा थर्ड सब्जेक्ट कुकरी था। कौन सी स्कूल गए थे तुम? DPS। दिल्ली पब्लिक स्कूल। देहरादून पब्लिक स्कूल। तुम कौन हो? चोर। तो वो सच कह रहा था, कोहिनूर तुमने उमर जफर के लिए छुराया। हाँ, पर क्या मैंने कहा कि मैं उसे दे रहा हूँ? तो फिर क्यों चुराया? ताकि कोई और चुरा के उसे ना दे दे। मेरे पास ये महफूज है। तुम पुलिस में या गवर्नमेंट में किसी को क्यों नहीं दे देती? तुम लड़कियां कितनी क्यूट हो, किसी को क्यों नहीं दे देते? हरलीन, ओमर जफर की पहुंच पुलिस और गवर्नमेंट के हर कोने तक है। किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। राइट, राइट। तो प्लान क्या है? प्लान, कोई प्लान नहीं। इस वक्त हर कोई ये सोच रहा होगा कि मेरा प्लान क्या है, और काउंटर प्लान बनाने की कोशिश कर रहे होंगे।
लेकिन अगर मेरा कोई प्लान नहीं तो मुझे पकड़ेंगे कैसे? That is the stupidest thing I ever heard. Yeah? तो ये तुम्हारा हाइडआउट है? Yes, one of them. ऐसे कितने हैं? 12, नहीं 11. बर्मा वाला पिछले महीने ब्लास्ट हो गया. तुम्हारी सारी बातें कितनी बुलशिट लगती हैं. तुम कौन हो, क्यों और क्या करते हो? I'll never know. मैं किसी आदमी नहीं देखा, मैंने कोई फोन नहीं किया, और तुमने भी? मैंने एक फोन, तुम्हारे फोन से कॉल हार ली. किस बात के लिए मारूं? इसलिए कि मुझे पकड़ने आए हो या पकड़ने के लिए सिर्फ चार आदमी लाए हो? कोहिनूर चुराया यार, कुछ तो इज्जत कर. देखो कोहिनूर दे दो, वरना जफर तुम्हें जीने नहीं देगा. और कहां मिलेगा ये जफर? मैं नहीं जानता. बोल. जफर किसी से नहीं मिलता. तो ये कोहिनूर किसे देने वाला था? बोल दे, जफर तेरी लाश को शाबाशी देने नहीं आने वाला. कुल हमीद, कुल मेरा काम कोहिनूर हमीद भाई को देना था. वंडरफुल. और कहां मिलेगा ये भाईजान? सोच ले, गुल या बत्ती गुल? बता दो. बेलेर, प्राग. बेलेर.
वेलकम टू प्राग। हम एक जगह पे ज्यादा देर नहीं रुक सकते, सो वी शुड यू नो, मेरी लाइफ बहुत सिंपल थी, बस मैं और दादी, बैंक और घर, इससे ज्यादा ना देखा ना सोचा। पर जब से तुम मिले, जिंदगी एक एक्शन फिल्म की जैसी हो गई है। पता नहीं अगले पल में क्या होगा, पर अब डरती नहीं। I trust you. दुनिया देखने की विश पूरी कर दी तुमने, और तुम्हारी भी तो कोई विश होगी। हमें चलना चाहिए। तुम्हारा एक दिन क्या है? घर। इस सब के बाद अपने घर। एक दिन कहाँ जाना है? Oh!
रब ने बनाया सबको, पर कौन बताए रब को, मर के तुम पे हम सांस लेते हैं। रब से करो जो दुआए, अब ये तुझी तक जाए, तो जो सुन ले तो सुनता है रब है। जाने ना जहां, जाने है कहां, मिली थी मेरी तेरी हमें हाँ। सच है यही तुझ सा कहीं, नहीं है नहीं मेरी राहें आए तुझ तक इस जन्म से हर जन्म तक। वक्त को रोके आ जरा साब, उसको समझा दे इश्क का मतलब। छोड़ के जिदिये मान लेगा, मेहरबान हुआ हुआ, मेहरबान हुआ हुआ, मेहरबान हुआ, मेहरबान हुआ, मेहरबान हुआ, मेहरबान हुआ, मेहरबान। हम नहीं, मैं कहीं जा रहा हूं, तुम यहीं रुको। रूम सर्विस से खाने के लिए कुछ मंगवा लो। आई बिलीव द सुशी इज रियली गुड। मैं जल्दी आ जाऊं। ओके नो, तुम नहीं जानती पर तुम्हें मेरी जरूरत है। वेयर टीम नाउ हर्लिन, साथ ले चलो, नहीं तो पीछे पीछे आ जाऊंगी। तैयार हो जाओ। के बारे में सोचा भी नहीं। झूठ, तुमने सोचा? नहीं, तुम सोच रहे हो। नहीं, तुमने आज तक किसी को किस नहीं किया? ऑफ कोर्स किया है। रियली? कब? स्कूल में? नहीं, उसके बाद। इम्पॉसिबल। बस मुझे बताए किस कैसे करते हैं। तुम इसे किस कहते हो? हाँ क्यों? किस इसे कहते?
किसी को ढूंढना है जिसे मैं कोई नूर दे सकता हूँ। किसे ढूंढना है? हामिद को। Excuse me, I'm looking for Mr. Hamid Gul. There he is, ma'am. See, वो रहा हामिद गुल। तुम ऐसा नहीं कर सकती। Please just leave this to me. Okay. तुम jealous हो। तुम jealous हो क्योंकि मैं तुमसे better हूँ। और तुम मुझे यहाँ लाना नहीं चाहते थे। Beginner's luck. Now agent 000. चलो, किस मुराद में आते हैं? Fortune red. Wow. 7 black. इतने पैसे? Changing 50,000. Place your bets, ladies and gentlemen. मुझे खेलना नहीं आता। सारे पैसे नंबर 31 पे डाल दो। सारे? सारे। One black. Congratulations. Congratulations, sir. Up. Place your bets, please. 26. Okay. The winner is 26. अभी बहुत पैसे जीत लिए, चलो लेट्स गो। चलो 17। नो नंबर 17। आर यू श्योर? ओके 17। नो मोर बेट्स, द विनर इज 7 रेड। ओ ये, नो, अब कंफर्म हो चुका है। 17 मतलब खतरा। मैं क्यों कहा 17? एक मिनट पहले मैं कितनी रिच थी। एक मिनट पहले तुम्हें रूले खेलना भी नहीं आता था। मुझे तुम्हारी बात सुननी ही नहीं चाहिए थी। हाँ, जब जीत रही थी तो सब ठीक था। मुझे हग और किस करी थी। तुम सब लड़कियां एक जैसी होती। How dare you? Perfect. क्या? Hit me. No. Just hit me. I'm sorry. मैं ऐसे किसी पर हाथ नहीं उठा सकती। हाथ उठाना नहीं आता। किस करना नहीं आता? आता क्या है? इंटरनेट पे रोमांस की भीख मांगना। बैंक रिसेप्शनिस्ट। Good, very good. Good. अब बात हो जाओ और जब वो वहां पर आए तो उसे कहो कि तुम्हें 5 मिनट में मिले अकेले। Go, go, go. Go to hell. कितने बदनसीब होते हैं वो लोग जिनके पास हीरा होता है और वो उसकी कीमत नहीं जानते। हीरा नहीं, कोहिनूर। कोहिनूर चोर भी हो सकता है। वो चोर पर डिपेंड करता है। हामिद गुल, चोर की नियत चोरी, कोई नूर कह रहा था। खुली हवा। 15 मिनट में 2 ग्लास शैंपेन और एक चोर टेरेस पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हो। 5 मिनट। ये ना हो कि कोहिनूर कोई और चुरा ले जाए। नाइस। उसके बाद तुम हम हम तुम्हें पता है तुम बिल्कुल पागल हो। मैं वेट करूंगी। Thank you.
Whiskey and the Rock, huh? Salam alaikum, Hamid Gul. तुम मुझ तक कैसे पहुंचे? कोहिनूर चुराया यार, कुछ तो इज्जत करो. लेकिन अगर जानना ही चाहते हो तो तुम्हारा पता तुम्हारे खास आदमी रॉबर्ट ने मुझे बताया. सिर्फ पता, तरीका मेरा था. चोर हो, चालाक नहीं. पैसे तो तुम्हें वैसे भी नहीं मिलने वाले थे, अब हीरा भी गया और चांद भी. पैसे ही चाहिए होते तो कोहिनूर तुम्हें क्यों बेचता? तो चाहते क्या हो तुम? उमर जफर, तो कोहिनूर क्यों? कौन हो तुम? बता कहाँ है जफर? बता दे जफर कहाँ है? बता. सफर कभी नहीं. राजवीर सिर्फ कोहिनूर को महफूज रखना चाहता है. कोहिनूर तो लंदन में महफूज था जब तक उसने चुराया नहीं. वो नहीं तो कोई और चुरा लेता. अच्छा, अगर इतना ही आसान था तो 150 साल से किसी ने क्यों नहीं चुराया? अच्छा, और क्या क्या है जो उसने तुम्हें बताया जो सच हो? उसने कहा कि तुम मुझे मार दोगे. पर आप तो जिंदा है, इस वक्त कहाँ है वो? वो किसी हामिद गुल के साथ है. हामिद गुल मर चुका है. He is dead. इंटरनल सीक्रेट सर्विस चीफ मिस्टर नारायणन. और उसी टेरेस पर उसकी लाश मिली. इसका मतलब जानती हो? मिस अलीन, आज आप एक इंटरनेशनल क्रिमिनल हैं. आपको मारना हमारे लिए सबसे आसान काम होगा, लेकिन हम जानते हैं कि सच क्या है. मिस अलीन, आपके पास एक मौका है अपनी जिंदगी वापस पाने, अपनी दादी के पास वापिस जाने का, और वो मौका इस ट्रांसमीटर में कैद है. आज आप एक इंटरनेशनल क्रिमिनल हैं. अच्छा, और क्या क्या है जो उसने तुम्हें बताया जो सच हो? वहां से निकले कितनी देर हो गई? कहां थी तुम? सच कहूं या तुम्हारी तरह झूठ बोलना शुरू कर दूं? कौन सा झूठ बोला मैंने तुमसे? सच.
झूठ ही तो कहा है अपने बारे में, हमारे बारे में, हामिद गोल के बारे में। मार दिया ना तुमने इसे। किसने कहा तुमसे? सोरावर। तो तुम्हारे पास कोहिनूर अब भी है? से नहीं तो डूब कर तो मर ही गया होगा। तुमने अपनी जिंदगी वापस जीत ली। गुरु का शुक्र है कि तू घर वापस आ गई। तेरे बिना ये घर घर नहीं लगता। इस सब के बाद अपने घर। कौन सी स्कूल गए थे तुम? देहरादून पब्लिक स्कूल। क्या ढूंढ रही हो? एक्चुअली सर मैं पंकज। क्या? एक्सक्यूज मी, क्या कर रहे हो?
ये चोरों की तरह घर के बाहर घूम रही है और तुम मुझसे पूछ रही? नहीं नहीं सर, सर इंटरनेट पे आपने ये बुक्स ऑर्डर किए थे? मैंने कोई बुक्स ऑर्डर नहीं की। पंकज तुम भी कुछ याद तो रहता नहीं है, अब ये स्टूपिड गन अंदर रखो। बेटा आप अंदर आइए, कम। आपका घर बहुत प्यारा है। आप कब से यहाँ हो? इस घर में पता नहीं पंकज, 40 साल तो हो गए होंगे ना। थैंक यू। जितने हमारी शादी को हुए। इट्स ब्यूटीफुल, सब कुछ नया नया सा है। हाँ, वो जब पंकज की दूसरी लॉटरी लगी तो आपने 2 बार लॉटरी जीती। या ही इज रियली लकी, है ना पंकज? इतना लकी के? हाँ हाँ जानती हूँ। अब ये कहेंगे कि इन्हें याद नहीं कि लॉटरी की टिकट कब ली, जैसे इन्हें याद नहीं कि बैंक की लकी ड्रॉ में कब हिस्सा लिया, और अब ये इंटरनेट की किताबें कब ऑर्डर की ये भी याद नहीं। मैं चाय लेके आती हूँ। सर ये राजवीर का हाइड आउट है ना? एक्सक्यूज मी, मतलब क्या क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, मुझे ऐसे मैं चलती हूँ। हमारे बेटे, बहादुर बेटे, ये वीरेन है, डाइड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, और ये जय, ये भी आर्मी में था या है पता नहीं, कारगिल में पोस्टेड था जब वीरेन की खबर मिली, और उसके बाद कहते ही एक मिशन पर था, और लेक में पानी बहुत गहरा था। और कुछ नहीं हुआ उसे, लोग कुछ भी कहें। ये ट्रॉफी उसने स्टेट स्विमिंग चैंपियनशिप में जीती थी, वो अकेला था जो एक सांस में पूरी लेक पार कर सकता था। मैं नहीं मानता उसको कुछ हो सकता है। सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। कोहिनूर कहाँ है? मैं नहीं जानती, प्लीज मुझे जाने दो। जफर, उमर जफर नाम है मेरा। ये तुम्हारे पास कैसे? कैसे नहीं, क्यों? ये मेरे पास क्यों? ये चाहिए नहीं था तो चुराया क्यों? असली कोहिनूर कहाँ है? ये नकली था? असली होता तो हथौड़ा टूट जाता, हीरा नहीं। काफी दिनों से राजवीर के साथ थी। अक्तावर? जोरावर, इसलिए इतनी आसानी से नहीं बताएगी। तुम इनके साथ? मुझे जो कोहिनूर मिला मैंने इससे दे दिया, असली काम में बिल्कुल नहीं जानती। खामोश रही तो हाथ में लगाऊंगा, नहीं तो समझती है ना? That's like a good girl. अब ना कोई मजाक कर पाओगे ना बकवास।
अब तुम सिर्फ सच कहोगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगी। बताओ। क्या बताओ? सच। सच कहूं मुझसे बटनागर? जोरावर, आप अपनी मूंछों के साथ बिल्कुल साथ इंडियन हीरो लगते हो। क्या? हाँ। आप पता है, मेरी दादी की लाइफ मेरी लाइफ से ज्यादा एक्साइटिंग है। चुप। सिर्फ ये बताओ कि कोहिनूर कहाँ है? कोहिनूर राजवीर के पास है। अगर राजवीर तो मर चुका है। नहीं, वो जिंदा है। वो चाहता है कि मैं सोचूं कि वो मर गया, ताकि तुम सोचो कि वो जिंदा नहीं है। जानता कि मैं जानती हूँ कि वो जिंदा है, वो ये सोचता है कि मैं भी सोचती हूँ कि वो मर चुका है। समझी मिस्टर जिंदगी एक सफर? अगर वो जिंदा है तो मुझे कुछ नहीं होगा। तुम लोग कितने बेवकूफ हो, उस ब्रिज पर उसने खुद ट्रांसमीटर क्लिक किया। चाहता तो भाग सकता था, लेकिन उसने जानबूझ के नकली कोहिनूर दिया। ताकि मुझे यहां लाया जाए, वो तुम्हारे पीछे। Not bad, Harleen. तुम इन सब बेवकूफों से काफी ज्यादा स्मार्ट निकली। मैं सोच भी नहीं सकता यहां तक पहुंचने के लिए कितना दिमाग, कितना हौसला और कितना जुनून चाहिए। जितना तुम सोच रहे हो उससे काफी कम। लकली ना तुम बहुत स्मार्ट हो और ना तुम्हारे आदमी। कौन कितना स्मार्ट है इसका फैसला इतनी जल्दी कैसे होगा राजवीर? फैसला तो तब होगा जब यहां एक की लाश होगी और दूसरे के हाथ में कोहिनूर। सवाल बस इतना है कि कोहिनूर देने से पहले तुम कितना दर्द सहोगे? बताओ कोहिनूर कहाँ है, वरना अब दर्द सहने की बारी हरलीन की होगी। बताओ। कोहिनूर वहीं है जहां उसे होना चाहिए, लंदन में। झूठ बोल रहे हो तुम, कोहिनूर चोरी हुआ है, सबको बताए। क्योंकि हमने कहा कि चोरी हुआ है। क्या मतलब? ये इंडियन सीक्रेट सर्विस और लंदन के MI6 का जॉइंट ऑपरेशन था। यहां तुमने कोहिनूर की मांग की, वहां हमारा प्लान बना। कोहिनूर अपनी जगह महफूज है सफर।
مگر افسوس کہ اب تم محفوظ نہیں. مطلب کوئی نور چوری ہی نہیں ہوا. برلینٹ راجویر, برلینٹ. مرنے سے پہلے اپنی تعریف سننا سب کو نصیب نہیں ہوتا, لیکن کیا فائدہ؟ اب تم اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے, کیونکہ تمہاری موت کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. جو دیش کے لیے لڑتے ہیں ان کی موت کا کاؤنٹ ڈاؤن تو پہلی سانس سے شروع ہو جاتا ہے. سفر غور سے دیکھیں آنکھوں میں, ان میں نہ مرنے کا غم ہے نہ موت کا خوف, صرف گرو ہے. بہت جلد ایسی آنکھوں میں تجھے اپنی موت نظر آئے گی. کچھ یاد ہے کرنن نانا؟ کیا رشتہ ہے تمہارا اس کے ساتھ؟ اس کا بھائی ہوں میں. تیری موت کا کاؤنٹ ڈاؤن تو اسی دن شروع ہو گیا تھا سفر, اور آج ختم. دس ملا. اس انجیکشن سے کچھ نہیں ہوا, تم صرف سچ بولو گے. That's all. Okay? That's all. سچ ہے کہ میں نے اپنی پوری لائف ویسٹ کی ہے. دے شوٹنگ ہلی, لیٹس گو. اور وہ سارے لڑکے دلیپ, جگی, ہربجن, سب سیم. Boring, boring, boring. Look! But tum nahi. Tum bahut exciting. Jump. You really excite me. Good. That's good. Ab chale. مجھے تمہارے کپڑے پھاڑنے ہیں پر نہیں پھاڑ سکتا کیونکہ میں ایکسائٹنگ نہیں ہوں. ہریو, وی ہیو ٹو گو. میں تمہیں سیکسی لگتی ہوں بہت. تم نے کچھ کیا کیوں نہیں؟ کیا تم نے کچھ کیا کیوں نہیں؟ تھینک گاڈ تمہیں کچھ یاد نہیں آئے گا. مجھے سب یاد رہے گا. سچ تو یہ ہے کہ تم مجھے نہیں چاہتے, تمہیں میں بورنگ لگتی ہوں. رجویر, علین بائک پر بیٹھو. کم آن, ہری اپ. Thank you.
چلے جاؤ گے اپنی ایکسائٹنگ لائف جینے اور میں اپنی بورنگ لائف جینے. تم ایک بورنگ لڑکی کے ساتھ کیوں رہو گے؟ تم بورنگ نہیں ہو ہرلین. تو میں کیا ہوں؟ بولو نا میں کیا ہوں؟ تم سیکسی ایکسائٹنگ پاگل اور فی الحال زندہ ہو. Let's keep it that way, okay? میری زپ کھولو. اب hug me. میرے گنز ملے. تم بہت ایکسائٹنگ ہو رہی ہو. اب گنز نکالو اینڈ شوٹ. اس کی وجہ سے شوہیب مرا, اس نے حامد گل کی جان لی اور کوہینور تو یہ رہا. اگر تم مجھ سے پہنچ سکتے ہو تو اصلی کوہینور تک بھی پہنچ سکتے ہو. جب کوہینور مل جائے تو آ جانا اور اسے لے جانا. مجھے یقین ہے کہ تم مجھے ڈھونڈ لو گے. پھر سے خدا حافظ. کم آن.
David? David, check what's happening. We have to land the plane. Well done. Thank you, sir. ماں باپ کی زندگی بھی عجیب ہے. ایک بیٹے نے فورس کے لیے اپنی جان دی اور ایک بیٹا زندہ ہو کر بھی ان کے لیے اب زندہ نہیں ہے. ہارلین کو گھر بھیج دیا ہے اور اسے یہ کہہ دیا ہے کہ اب وہ تم سے نہیں مل سکتی. تم جانتے ہو کہ اس مشن کے لیے جائے مر چکا ہے. اب تم راجویر ہو. انٹرنل سیکرٹ سروسز کو جوائن کر کے تم نے اپنی زندگی ہمیں دے دی ہے. ہرلن تمہارے لیے خطرہ بن سکتی ہے, تمہاری کمزوری بن سکتی ہے. anyway, کل تمہیں ایک محفوظ جگہ ٹرانسفر کر دیں گے.
then, get some rest. क्या था इसमें? किसने बदले? यार, तुम बहुत सवाल करते हो। मैंने बदले। और जहां तक मुझे याद है, मेरी आंखें भी बंद थी। शायद। क्या दिन है आज? एक दिन।
अब एक काम बाकी रह गया। क्या? बैंग बैंग। दिल पे चला है जादू जाने क्यों।